तवहे सिवरीनराण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रिंगनी मा सामाजिक गुटबाजी के कारण बेटी ला करना पड़ी अपन पिता के दाह संस्कार। देखा हुए हमारी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रिंगनी के कन्नौजिया कुर्मी समाज में स्वयंभू ठेकेदार मन के द्वारा समाज ल दू गुट में बांट के लोगन मन एक दूसर ल सामाजिक कार्य में जाय बर रोकत हे। यही बीच में गांव के शिव कुमार कश्यप जेन ह एक गुट के सदस्य रहिस ओखर देहांत हो गईस। देहांत के बाद दूसर गुट के सामाजिक दबाव के कारण न तो परिवार के कोनो सदस्य ओखर क्रियाक्रम में गईस और न ही सगे भाई मन गई। ए स्थिति में मृतक के दामाद और ओखर पक्ष के लोगन मन मिलके सौ ल शमशान पहुंचाइन। तब होले परिवार वाला मन वाद विवाद करे लगिन। तब खुद ओखर बेटी हा शमशान जाके पिता ल मुखाग्नि दीस कि समाज दो भाग में बटा हुआ है, इसलिए कौन कर रहा है ये सारी, कौन मना किया है यहाँ पे समाज वालों को आने के लिए? दूसरे पक्ष वाले। दूसरे पक्ष मतलब कौन? दशरथ। दशरथ करके ये कौन है, ये समाज के सभापति है। अच्छा, वो मना किए थे कि किसी के द्वारा यहाँ पे जाया नहीं जाएगा करके? हाँ, उन लोग के होंगे तब तो नहीं आए। मेरे बड़े पापा खुद उसके लड़के हैं, हम लोग चार बहन हैं। और बड़े पापा बोले कि आप यहाँ रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, बोले तो मैं अपने पिताजी को मैं दूंगी, बोले। तो आपके बड़े पापा बोले कि आप हम लोग रहोगे तो हम लोग, आप लोगों को बाहर जाने के लिए आपके बड़े पिताजी बोले? हाँ। कुर्मी समाज के दूसर पक्ष के लोगन मन के द्वारा भाई और भतीजा मन ला अपन चाचा के दाह संस्कार करे ले रोक दिए गयी। तो मृतक के बेटी मन आगु आके पिता के अंतिम संस्कार करीस और समाज में एक नवा मिसाल कायम करीस। पामगढ़ डिजिटल रिपोर्टर विजय टंडन की रिपोर्ट।